नहीं दे रहे थे कांग्रेसी पार्षद, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे थे जो इस हल्ले में दबे, जिसमें विशेष तौर से कुछ पार्षदों के भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर होने थे, और इसी का डर था। तो उन्होंने एक बहाना बनाया कि हमने बीजेपी पार्षदों ने एक प्रदर्शन किया था कुत्तों को लेके, जो बालक बालिकाओं को काट रहे थे, उस पिछले साल वो प्रदर्शन किया था, उसी को लेके उनका कहना था कि महापौर आयुक्त से माफ़ी मांगे, और हम बीजेपी पार्षदों ने, और मैंने स्पष्ट मना कर दिया था कि कतई माफ़ी नहीं मांगेंगे, जनता की आवाज़ है, प्रदर्शन है, ये उठाते रहेंगे, करते रहेंगे। इसी बात को लिए हंगामा हुआ, लेकिन महापौर ने बजट पढ़ना जारी रखा, तो हमें आसन तक जाना पड़ा और धरने पर बैठना पड़ा। तब जाके इन्होंने बाद हमारे चार पार्षद और कांग्रेस के चार पार्षद महापौर के अध्यक्षता में एक मीटिंग करी, उसमें सॉल्यूशन हुआ, उसके बाद मैंने मेरी बात रखी। अब सदन शुरू है, क्या लगता है कि सदन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो चीज़ें जैसे बजट है, बजट में मैं एक आपको उदाहरण दूँ, जैसे यूटी टैक्स का मामला आया, इसी तरह साइन बोर्ड का मामला है। साइन बोर्ड में 7 करोड़ रुपए हमारे आने चाहिए नगर निगम में, लेकिन हमारे 10 लाख रुपए आए पिछले साल, वो पूरा शेयर आप देखो साइन बोर्डों से अट्टा पड़ा है, चाहे बिजली का खंभा देखो, चाहे होल्डिंग देखो, चाहे यूनिपोल, चाहे छत, उसके बावजूद पैसे नहीं आ रहे हैं। होता क्या है, मैं कह रहा हूँ, सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ कांग्रेस बोर्ड के सारे लोग, जो पार्षद है वो भी, वो अपने अपने वार्डों में अवैध वसूली कर रहे हैं।